नमस्कार, आइए इस हाथ पर प्रकाश डालने से पहले एक जरूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। मेरे सामने एक 32 वर्षीय युवती का हाथ है। ये देखिए, इनकी कनिष्ठा उंगली जो सूर्य के पहले पद तक नहीं पहुँची, यानी कि कुछ कमी रह गई। बुद्धि के निर्णय लेने में जल्दबाजी कर जाएंगी, मानसिक टेंशन रहेगी, गलत निर्णयों से नुकसान हो जाएगा। इस तरह का इनके जीवन में ये सब कुछ सुचारू रूप से लगा रहेगा। आप चाहें तो सूर्य के इस पहले पद तक अपने नाखून को उंगली का बढ़ाएंगी तो आपको इसमें कुछ बल प्राप्त होगा। तो ये नाखून इतना बढ़ा लीजिए। साथ ही साथ सूर्य की उंगली जो नीचे से मजबूत जोड़ से चली है लेकिन बीच में जा करके ये पतली पड़ जाती है। जब जब सूर्य की उंगली पीछे बीच में जा करके पतली पड़ जाती है तो वैसे व्यक्तियों को हृदय रोगों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ मन से आप सही हैं, पवित्र हैं और राज्य सरकार से सहयोग की यहाँ पर कोई भी उम्मीद नहीं लगती। अब चलिए बात कर लेते हैं आपके शनि की उंगली की। ये शनि की उंगली और शनि की उंगली भी बीच में जाकर पतली पड़ गई है। जीवन में बहुत संघर्ष रहेगा, धन का आगमन आता रहेगा, धन जाता रहेगा। तो ये और साथ के साथ रोग भी आपको लगे रहेंगे कुछ ना कुछ। अब आइए आपकी बृहस्पति की उंगली। ये बृहस्पति की उंगली, इसका झुकाव ईश्वर की तरफ, धन के लिए चाहते काफ़ी रहेंगी लेकिन जीवन भर धन का आगमन का संघर्ष आपके साथ बना हुआ है। साथ ही साथ बृहस्पति का यहाँ भी पतलापन है। इस बात का भी उद्घोषण हो गया कि स्वास्थ्य तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपके अनुकूल नहीं रहने वाला है। चलिए बात हो गई आपकी ये सब उंगलियों के बारे में। अब मैं बात कर लेता हूँ आपके बुध पर्व की। ये बुध पर्व और बुध पर्व पर ये रेखाएं जो विवाह रेखाएं आ रही हैं वो दो डिवीडेशन में बन रही हैं। दो लहराती हुई रेखाएं नीचे की तरफ चलती हुई रेखाएं। समानांतर रेखाएं चलना वैवाहिक जीवन के लिए सही कहा जाता है। झुकती हुई रेखाएं आपस में वैवाहिक जीवन में कलह पैदा करती हैं। साथ ही साथ आपके इस वैवाहिक जीवन के अलावा मैं नीचे हृदय रेखा को बोल देता हूँ। ये हृदय की रेखा होती है, ये पति की रेखा भी एक तरह से कही जा सकती है। यहाँ इसमें भी इतने ज़्यादा बल पड़े हुए हैं कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा पति के साथ पूरी उम्र वैचारिक मतभेद बना ही रहेगा। अब इसमें आपका दोष नहीं है, बात यह है इसमें पति का भी दोष नहीं है। ये आदमी अपने पूर्व जनित कर्मों का फल लेकर के पैदा होता है तो उसको ऐसा पति और ऐसी पत्नी उनको मिलती है। तो इसको अगर इस सोच के साथ जिएंगी तो जीवन सुखी हो जाएगा। रोजाना लड़ाई झगड़े से इसका कोई भी समस्या का निदान होने वाला नहीं है, ना दूसरी शादी से और ना किसी और प्रकार से। तो ये जीवन का भोग काल है। ईश्वर से कृपा करके मैं आपको कुछ पूजा बता दूंगा, वो करती रहिए, उससे कुछ शांति मिलेगी। अब बात कर लेते हैं आपके सूर्य पर्व की। ये देखिए सूर्य पर्व, और सूर्य पर्व पर इतनी सारी खड़ी हुई रेखाएँ, यहाँ पर इतना सारा जाल बना हुआ है, आसानी से सब कुछ व्यक्ति को नहीं मिलेगा। देखिए ये हो गया एक तरह से कंकड़ का पेड़। आप ये समझ लीजिए, अगर किसी पे कांटे का पेड़ कहीं पे किसी घर में खड़ा है तो फल क्या देने वाला है? न यश मिलेगा, न सम्मान मिलेगा, न तरक्की मिलेगी। तो वो आपने पूछ लिया दूसरा सवाल भी मुझसे, सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं? देखिए मुझे यहाँ सरकारी नौकरी का योग कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है। तो सरकारी नौकरी का योग नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब करती रहें वही अच्छा आपके लिए रहेगा। तो दूसरा सवाल, चलिए आपके शनि पर्वत को पढ़ लूँ। ये शनि पर्व और शनि पर्व पर ये खड़ी हुई रेखाएँ बहुत झंझावट के साथ खड़ी हुई रेखाएँ हैं। फिर वही बात आ गई, कंकड़ का सा पेड़ बन गया है, आसानी के साथ धन का आगमन आपके साथ में नहीं है। साथ के साथ ये कट करने वाली रेखाएँ सूर्य शनि पर्व भी लगी हुई हैं। रोगों के कारण किसी न किसी कारण से आपका धन का व्यय आपके जीवन में लगा ही रहता है। तो ये अपने आप में एक अच्छा लक्षण और नहीं मिला। अब आइए बृहस्पति पर्व को देख लेते हैं। ये बृहस्पति पर्व पर ये रेखाएं, बृहस्पति पर्व अच्छा है, अनुकूल है। इस वजह से बस आपके जीवन में आपका सर ढकने का स्थान बना रहेगा, मकान में आप सर ढक करके रह सकती हैं। ये इंडिकेशंस यहाँ पर दिखलाई पड़ते हैं। तो हृदय रेखा मैंने आपकी बताई थी। आइए अब मैं बात करता हूँ आपका स्वास्थ्य कैसा है। ये आपकी स्वास्थ्य रेखा, ये आपकी आयु रेखा। आयु रेखा लगातार क्रॉसिंग से कटती हुई, हल्की पड़ती हुई, बलवती होती हुई, इन रेखाओं से कटती हुई, ये सब कुछ खड़े हुए या चिन्ह और इधर से काटती हुई ये रेखाएं। जीवन में आपके में लगातार रोग किसी ना किसी रूप से लगा रहेगा।
ईश्वर की बड़ी कृपा है कि रोग के बाद भी आप अपने कार्यों को करती रहेंगी और जीवन संघर्ष को आप लड़ती रहेंगी। ये यहाँ पर इस प्रकार की रेखाएं आपके पास सुख सुविधाएं भी अपने अनुकूल जितने हिसाब से आपको मिलेंगी उसके हिसाब से आपके पास बनी रहेंगी। आपने दूसरा सवाल पूछा है तो स्वास्थ्य तो अनुकूल नहीं रहना मानसिक तनाव, साथ ही साथ स्वास्थ्य रेखा के लाभ से ऊपर हृदय रेखा भी ठीक नहीं है, तो इसके इस ये यहाँ पर हृदय। अब ये बात है मानसिक तनाव की, बात मानसिक तनाव रहता है, ये मानसिक रेखा, ये मस्तिष्क रेखा, मस्तिष्क रेखाओं को कितनी रेखाओं ने काटा है, कितना मानसिक डिप्रेशन रहता है, क्या करूँ क्या ना करूँ कैसे करूँ क्या होगा मेरा, इतनी सारी टेंशन रेखाएं आपके साथ में। और साथ ही साथ यहाँ से चंद्र पर्वत से निकल के राहु तक बहुत बहुत बुरा सोच जाती हैं जीवन में, बहुत बहुत बुरे विचार आते हैं क्या होगा मेरा। चलिए मैं इन सब के लिए एक बहुत ज़बरदस्त उपाय आपको बाद में बता दूंगा, उसको आपकी अनुकूल स्थितियाँ आपको बनेगी। तो टेंशन डिप्रेशन तो आपके साथ में वास्तव में है और जीवन में काफ़ी रहने वाला भी है, उनसे कैसे लड़ा जाएगा ये लास्ट में आपको बताऊंगा। आपने कहा है बेटी है बीमार रहती है, हार्ट सर्जरी कराई है उसकी। देखिए बेटी की जो जन्म पत्री है वो बेटी के बारे में बताएगी, तो यहाँ इस बात को कहना कि भाई बेटी के बारे में मैं कुछ बता पाऊँ ये यहाँ संभव नहीं है। हाँ ये है कि संतान का सहयोग मिलेगा, ये आपके हाथ में नज़र भर आता है। अगला सवाल है आपका बेटा होगा या नहीं। चलिए मैं ऊपर दोनों रेखाओं को देख लेता हूँ, ये खड़ी हुई रेखा ऊपर तक दिखलाइए ज़रा, ये यहाँ पर बृहस्पति, ये सूर्य की रेखा, बिल्कुल सूर्य पर्वत की बड़ी रेखा है। बिल्कुल संतान में आप जो है आपको बेटा निश्चित रूप से होगा, इसमें कोई भी दो रहा नहीं है। आपके हाथ से संतान का योग बहुत ज़्यादा लगता है, कभी 1% में चुकता हूँ वरना 99% सही ही होता हूँ। तो बेटे का योग आपके हाथ के अंदर है। वैचारिक मतभेद पति के साथ आपने बता दिया। जीवन कैसा, जीवन कैसा, जीवन रेखा देख ली, यहाँ भाग्य रेखा देखिए, मस्तिष्क रेखा देखिए, हृदय रेखा देखिए, पूरा का पूरा हाथ देखिए, चंद्र पर्वत देखिए, सब जगह पर परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, बार बार नौकरी में परिवर्तन, बार बार स्थान का परिवर्तन, बार बार बाधा ही बाधा, बाधा ही बाधा, जीवन में बहुत बाधा है। तो भाग्य ईश्वर ने आपको पुराने कर्मों से अच्छा नहीं दिया है। अब इसको 52 वर्ष के बाद लगता है कुछ अनुकूल स्थितियां आपके पास आएंगी, ज़्यादा अच्छा जीवन आपका वो 52-53 वर्ष के बाद शुरू होगा। तो ये यहाँ पर स्थिति बहुत अनुकूल आपके पास में नहीं है, सभी तरफ से देख करके मज़ा नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन मुझको बोलना पड़ता है। चलिए अब बात इन सब के उपाय की आ गई, बेहतरीन ऐसा क्या उपाय करें, तो आप उसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप नित्य अपनी पूजा के अंदर देवी कवच दुर्गा सप्तशती में है, दुर्गा सप्तशती में देवी कवच है, उसको अपनी जीवन में जोड़ लीजिए रोजाना, साथ ही साथ शिव की पूजा भी आप करें, और तीसरी पूजा शिवलिंग पर जाइए, शिव परिवार को स्नान कराइए और रुद्राष्टकम का पाठ कीजिए, रोजाना अपनी पूजा में रुद्राष्टकम लीजिए। एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ जो रोग से आपको बाधाओं से बाहर निकाल देगा, भय से डर से सफी है, एक मंत्र है जो दुर्गा सप्तशती में पीछे मिलेगा, सर्व स्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते भेव्य स्त्रोई नो देवी दुर्गे देवी नमस्ते, इस मंत्र की माला का आप जाप करिए, बस इतना भर करिए आपको बहुत कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। तो आप ये सब करें, अगर आप अपनी बेटी का ज़्यादा स्वास्थ्य करना चाहती हैं तो बेटी के नाम से संकल्प लें कि हे देवी माँ, हे भगवान भोले शंकर, मैं जो महामृत्युंजय के मंत्र का जाप कर रही हूँ ये अपनी बेटी के स्वास्थ्य के लिए कर रही हूँ, तो वो उसकी माला अलग से आपको जपनी होगी। इतना भर कीजिए आपको सब कष्टों से छुटकारा मिलेगा, आराम मिलेगा। आशा करता हूँ आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया होगा। नमस्कार।